तो कैसे भाई, फिर से आपका स्वागत है तो चैनल चौपाली पर। मेरा नाम है पामियार, वेलकम टू अपनी शानदार जानदार GTA 5 की दुनिया। तो गाइस आपको याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में लॉगी जो है माउंट चिलियाट के ऊपर फंस गया था। फिर मैंने अपनी खतरनाक वाली गाड़ी बाय की, उसको माउंट चिलियाट से मैं लेके आया। लेकिन उस दरमियान एक खतरनाक वाली न्यूज चल रही थी GTA 5 के अंदर, और वो बोल रहे थे कि GTA 5 के अंदर ब्रोस आप बिलीव नहीं करोगे, GTA 5 की माउंटेन्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा यति घूम रहा है। तो न्यूज़ वालों ने बोल कर रखा था, एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मेरे को संजय की दुकान के ऊपर जाना है और मेरे को थोड़ा बहुत अपने लिए असलाह बारूद लेना है, क्योंकि आज हम एक बार फिर से इस वीडियो के अंदर बहुत ही खतरनाक हरकत करने वाले हैं। तो यार मैं बोलने वाला था कि न्यूज़ वालों ने बता कर रखा था कि GTA 5 की दुनिया के अंदर फालतू में मत घूमो, खासकर पहाड़ों के अंदर मत जाओ। एक डेडिकेटेड एरिया उन लोगों ने देख रखा था और स्पेशली बता कर रखा था कि उस एरिया में नहीं जाना। तो ये तो हम उस एरिया में चले गए और वहां पर हमने देखा बिगफुट। भाई साहब खतरनाक स्केरी था यार। और आपको याद होगा लास्ट वाली वीडियो में कि जैसे बिगफुट अपने पास आया ना, उसने मेरे को ये चपेड़ मारी, मैं वहां जाके गिरा। इतनी खतरनाक वाली पावर बिगफुट के पास थी, मेरे को पता भी नहीं था। बता दी सालो संजय, अच्छा सब कुछ फुल है भाई संजय। भाई मेरे पास सब कुछ बोला, मेरे को पता बन गया। एनीवेज गाइस, संजय की दुकान से तो मैं होके आ चुका हूँ और एट द सेम टाइम मेरे को थोड़ा बहुत अपने लिए आर्मर भी लेना है, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में ये आर्मर की शॉपें कहाँ चली गई है। अच्छा इतनी दूर लगा कर रखी है, चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे पास तो खतरनाक वाली बाइक तो है ना, तो मैं फट से पहुंच जाऊंगा। और आपको याद होगा लास्ट वीडियो की एंड में लॉगी के साथ कुछ हुआ था, और क्या हुआ था लॉगी खुद बताएगा। कम ऑन लॉगी। हेलो, तो भाई आपको याद है ना पिछली वीडियो में यहाँ पर एक खतरनाक एंटिटी पोर्टल के अंदर से आई थी, वो भी खतरनाक इफेक्ट मार के, और उसने एक पंच मारी और फिर वो भाग गया जंगलों के अंदर, और फिर उसके बाद उसका हमने एक भी प्रिंट नहीं देखा। और आपको पता ना भाई, उसको मारने पर बहुत मोटा प्राइस लगा हुआ है। और तेरी जेब में से कितने पैसे लेके गया? हाय पूरे मिलियन डॉलर छीन के ले गया भाई मुझसे। हाय साहब, तो यही एक नई एंटिटी जो है GTA 5 के अंदर ऑनलाइन की दुनिया में घूम रही है, कोई मॉड वगैरह कुछ भी नहीं है, एक्चुअली ऑनलाइन की दुनिया में ये हरकतें हो रही हैं। तो बेसिकली अभी न्यूज वाले बता रहे हैं कि GTA 5 के अंदर ये क्या लिखा, एंटर यू टू ओके, पता नहीं मेरे को क्या लिखा है। तो यार GTA 5 वाले बोल रहे हैं कि प्लीज यहाँ पर बाहर मत घूमना, बाहर बिल्कुल भी नहीं घूमना, क्योंकि एंटिटी घूम रही है। और वो क्या कर रही है, वो आ रही है और वो लोगों की जेब में से पैसे चोरी कर रही है, और वो बहुत ज़्यादा स्केरी हो रहा है। तो उस एंटिटी का नाम है गूच। तो बेसिकली एक बंदा सेंटा के क्लोथ्स पहन के लोगों के पास जा रहा है, और उसके पास पता नहीं कोई ना कोई टेलीपोर्टेशन वाली पावर आ चुकी है, तो लिटरली उनके पीछे समन हो रहा है और उनसे पैसे लूट रहा है। और लास्ट वाली वीडियो में हमने इसका प्रूफ देखा था कि भाई लिटरली लॉगी की जेब में से पैसे निकाल के उसको मार के भाग गया। और ये और हमारी ड्यूटी आज की वीडियो में सिंपल है, हमने उसको पकड़ना है। आज हम उसको पकड़ कर रहेंगे और उसकी तह तक जाग के रहेंगे कि आखिरकार ये बंदा एक्चुअली है कौन, कौन जो है जो GTA 5 के अंदर इतनी लूट मार करके रखी हुई है उसने। बट एनीवेज गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरे को यहाँ पर अपने लिए खतरनाक वाला आर्मर वर्मर भी लेना यार। ए सुनो यार, मेरे पास बड़ा मस्त वाला आइडिया आया है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसको यति बन के उसको डराते हैं। ओए यति चक्के के फट्टे उसके, लेट्स गो। तो ये वाला आइडिया लोगों का मेरे को एक्चुअली बहुत मस्त लगा, और मेरे पास एक प्लान है। तो आपको गाइस, अगर आपको इस बंदे को पकड़ना है तो एक काम कर सकते हो, आप अपनी जेब में ना बहुत सारे पैसे लेकर रखो। आई थिंक मिनिमम $10,000 आपकी जेब में होने चाहिए, क्योंकि समहाउ वो सारे बंदों की इन्वेंट्री चेक कर रहा है, और जिसके पास पैसे हैं उसी के पीछे समन होके उसको मुक्का मार के उनके पैसे लेके भाग रहा है। तो जितने ज्यादा पैसे होंगे जेब के अंदर, उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके सामने समन होने के। भाई प्राइस के नाम पर कहीं इनकम टैक्स वाले ना हो भाई, सबको हाँ। तो यार लूट रहे हैं, लिमिट में रखना ठीक है, पैसे लिमिट में रखना, ये ना हो कि उससे बच के और टैक्स वालों ने लूट लिया। ओके लगे, तो कहां पर है ये रहा भाई, बिल्कुल सामने वाली सड़क से आ रहा हूं। राइट लेट्स गो। तो गाइस एक बार फिर से आपको अपनी मैं पॉकेट दिखा देता हूं, और मेरी पॉकेट के अंदर $7 million पड़े। मैं $7 million 712 मिलियन डॉलर पड़े हैं। अगर कुछ भी गलत हो गया ना तो आप सारे गए भाई, ठप हो जाओगे GTA 5 के अंदर भाई, लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। एक काम कर, बाइक के ऊपर चलते हैं ठीक है। देख रहे हो भाई मेरी नवी गड्डी, अभी मैं लेकर आया हूँ करेक्ट। पहले बाइक के ऊपर चल रहे भाई, ऐसा लग रहा है कि जैसे वैनम ने गाड़ी के ऊपर थूक फेंक दी हो। आगे से काली है पीछे से गोरी है, चल पीछे बैठ गाड़ी के ऊपर बैठ। चलो 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 एंड लेट्स गो। मेरे को वहां पर बिगफुट वाले एरिया के अंदर जाना, क्योंकि मेरे को याद है लास्ट टाइम लॉगी को वहीं पर लूटा गया था। और अब की बारी गाइस, हमें बिगफुट की टेंशन बिल्कुल लेनी भी नहीं है, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में हमने बिगफुट की क्या बैंड बजाई थी ना प्रोस, ये सिर्फ अपन लोगों को ही पता है। और भाई क्या ठोक रहे हैं यार ये चिट्टी गाड़ी वाले। अरे एक सेकंड भाई, मुझे पहले उतरने दो। क्यों क्या हो गया?
वैसे आप जा कहाँ रहे हो भाई? बिगफुट वाले एरिया के अंदर। अच्छा चलो चलो चलो, क्या करना है क्या तेरे को? अरे भाई मैंने सोचा था कि मैं चलती गाड़ी से अपनी आउटफिट चेंज कर लूंगा, लेकिन नहीं हुआ। तेरे को रुक के करनी पड़ती है क्या? रुक के करनी पड़ती है। अरे कोई बात नहीं यार, उस एरिया के अंदर पहुंचेगे ना तो तू उसको बिगफुट बनकर डरा दियो और मैं उसको बाज़ूका लेके डरा दूंगा। और तेरी जेब में कितने पैसे हैं भाई? मैंने तो सारे बैंक के अंदर जमा कर लिए हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं एक बारी फिर से यहाँ पर लूटा जाऊँ। पैसे लास्ट टाइम तेरे को लूट के क्या भागा ना, मैंने देखा था भाई, बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था भाई। मैंने क्या चीखे हमारी लास्ट वाली वीडियो के अंदर? तो भाई वो मुझे बीच तक मुझे लेकर गया ब्रो। ये क्या संभाला मैंने गाड़ी को, ये तो देखना क्या कर रहे हो। ठुकने वाली जगह देख ली, संभालने वाली जगह के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा बंदा। ये अपना क्या कर रहा भाई तू? अरे चलो यार, एनीवेज सीधा अभी वहीं पर ही चलते हैं। और आप कुछ बोल रहे थे? आदोने मैं क्या बोल रहा था, एकदम दिमाग से निकल गया यार। बट एनीवेज गाइस, हां अरे यार तेरे को यार यट्टी बनके इसको डराना था यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस। अभी अपनी गाड़ी एकदम से फुल स्पीड पे जा रही है एकदम वुड्स के अंदर। टमाटर ले लो थोड़े। अबे छोड़ टमाटर को छोड़, मेरे को पता भी नहीं कि वो बंदा आखिरकार खाता क्या है। बट एनीवेज बंदूकें वगैरह गाइस अभी रेडी हो चुकी हैं और हम बाइक के साथ बर्फीली जगह पर कर रहे हैं ऑफ रोडिंग भाई साहब, लेट्स गो। देख रहा लगे मैं कैसे बाइक को संभाल रहा हूँ ब्रो। एटी का तो पता नहीं भाई, गुज का तो पता नहीं, आज पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। अबे नहीं आएगी पुलिस, बर्फीली पुलिस यहाँ पर नहीं है GTA 5 के अंदर। और कौन सी पुलिस है जो हमको पकड़ेगी? यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आ सकती ब्रो। अपनी बाइक की स्किल देख रहा है, पुलिस देख के हैरान हो जाएगी। वैसे मैं खुद देख के हैरान हो चुका हूँ कि भाई मैं इतनी खतरनाक वाली बाइक चला तो मेरे को पता भी नहीं। लेट्स गो भाई साहब। हाँ अपने स्किल्स हैं GTA 5 के अंदर, प्लेन उड़ाना और बाइक उड़ाना भाई हमसे कोई सीखे यार। बट एनीवेज गाइस, मैं ये बोल रहा था कि मेरी जेब के अंदर बहुत सारे पैसे आ चुके हैं और बंदूकें वगैरह मेरे पास एकदम से रेडी हो चुकी हैं। और लॉगी इतना डरा हुआ है ना कि उसने जेब से सारे पैसे निकाल के ना बैंक के अंदर डाल लिया ब्रो। भाई मैंने तो सारे बैंक के अंदर डाल दिया भाई, उसने मेरे मिलियन डॉलर छीन लिए मुझसे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और यह सिर्फ लॉक, ये क्या है? अच्छा मेरे को लगा किसी ने फ्लेयर मार ली थी यहाँ पर, लेकिन वो साइन लगा हुआ है देख रहे हो। ऊपर क्या लगा हुआ है? कहाँ पर? भाई नहीं ये वाली, अरे ये हमारी फैक्ट्री है, कोकेन फैक्ट्री। यहाँ पर हम काले काम करते हैं GTA 5 के अंदर। 700 मिलियन ऐसे कमाए हैं GTA के अंदर ब्रो। पता है तेरे को कितना हार्ड है GTA 5 के अंदर पैसे कमाना विदाउट ये चीजें? भाई खतरनाक चीजें करनी पड़ती है यहाँ पर GTA 5 के अंदर माल धाल कमाने के लिए। और ये क्या हो रहा है यार, क्या कर रहा है तू? बाइक ठुक चुके फिर भी बाइक के ऊपर बैठा हुआ लौंडा। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, बैठ जाए इट्स ओके। अभी और ध्यान से रखियो, और मेरे को अपनी हेल्थ वगैरह फुल करनी है। ये ना हो कि चलती बाइक के ऊपर हमारे ऊपर हमला कर ले और मैं एक बार फिर से मर जाऊँ। और अब की बार यहाँ मर गया ना और मेरे से पैसे ले गया तो बहुत खतरनाक लेवल का जो है चूना लगने वाला यहाँ पर। तो मैं तो एकदम से रेडी हूँ यहाँ पे, मेरे को पूरे स्नैक्स खाने दे। कोई भी आता ऐसे ठोक दूंगा भाई, मेरे को ना ठोक दियो भाई। इतनी पास में से गोली चला रहा ना, सिर्फ कान पट्टी के ऊपर मेरे गोली बज रही है। और अभी हम लगाएंगे सुपर हैवी आर्मर और इसी के साथ गाइस मेरी हेल्थ एंड मेरा आर्मर पूरा फुल हो चुका है। और आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है वीडियो के अंदर, बट ये बोलना पड़ता है, लेकिन आप लोग करते भी नहीं हो। बट आपकी बारी मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवाता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि सारे बंदे मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। नीचे जाके सब्सक्राइब करना सब लोगों ने, और हमें यही बर्फ देखनी है वो भी रियल लाइफ अंटार्कटिका के अंदर, और वो आप लोग ही कर सकते हो मेरे साथ। तो प्लीज़ अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो या हेलो कैसे हो, तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने कर दिया तो प्लीज़ अपने दोस्त लोगों को भी बताना ब्रो, वी नीड टू गेट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अगर रेडी है ना? भाई मैं तो एकदम से रेडी हूं। कम ऑन देन, एक बार क्या कर रहा है भाई? क्यों बिजली वाली ब्रो, अभी उड़ने वाले थे हम दोनों। फिर से मारियो, मेरे को देखनी है पहाड़ के ऊपर मार। यहाँ पर क्या या मारियो, ये ग्रेनेड कैसे फेंक रही है? अबे तेरे पास कौन सी गन है भाई? हाँ नहीं भाई, मुझे खुद से नहीं पता कि ये कौन सा वेपन है। आई थिंक ये तेरे को हुच मार के दे चुका है। हुच क्या नाम था? हुच के गुच। ओके एक बार फिर से गाइस, हम ये खतरनाक पहाड़ी इलाके के अंदर आ चुके हैं। और आपको याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में यही हमको मिला था बेफुट भाई। अब की बारी नहीं आ सकता भाई, उसके दो दो भाई नहीं हो सकते। You know, एक वाले भाई को तो मैं मार चुका हूँ। अब ये मत बोलना गेम वाले फिर से, मेरे को मत बोलना कि फिर से जहाँ पर बिगफुट है और जान बचा के भागने की कोशिश करो। नहीं ब्रो, एक बिगफुट को हम मार चुके हैं तो एक बिगफुट दो बारी गेम के अंदर नहीं होगा। और अभी हमें यहाँ पर तहकीकात करनी है कि आखिरकार वो बंदा था क्या। आई डोंट नो लॉगी, रेडी हो जा ब्रो, खतरनाक वाला सीन होने वाला है। और ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट यार गाइस, बारिश वगैरह बर्फ वगैरह पूरी लेवल की पड़ रही है। क्या कर रहा भाई? यहीं पर ही वेट करते हैं, लास्ट टाइम यहीं कहीं आया था। चलती बाइक में से उतर गया भाई ये वाला बंदा तो। बाट बाइक के ऊपर वापस, क्या कर रहा है? जाना है भाई हमें। आगे चलते हैं क्योंकि आगे मेन रोड भी है ब्रो, तो अगर कुछ ना कुछ हरकत हुई ना तो हम वहाँ मेन रोड से भाग जाएंगे। सही है, सही है, सही है। और मेरे को याद है कि लास्ट टाइम हमने बिगफुट को नदी के पास में ही मारा था, तो एक काम करते हैं यहीं पर अपनी कैंपिंग कुम्पी की जो है शुरू कर देते हैं, ये इलाका बेस्ट है। और मेरे को याद है कि लास्ट वाली वीडियो में हम भाग के वहां से आए थे, मेरे को याद है कि वो बंदा तेरे को लूट के पहाड़ के ऊपर चढ़ा था,
तू भूल गया अकेले। अच्छा इधर आओ, ये देखो क्या कर रहा तू। ये देखो अभी मैं मैजिक मारता हूँ यहाँ पे, कुछ करने की कोशिश मत करियो। मेरे को अपने नाक कान और आंखें एकदम से मेरे को लिटरली लगा था कि कोई भाग जा रहा है मेरे पीछे, डरा दे तूने मेरे को ब्रो, एकदम से टॉप लेवल पर रखनी है। यहां पर बैठ जाता हूं मैं। उस जरा से भी हलचल हुई ना तो मैंने उस बंदे को मार देना है। छुप रहा ना, रेडी है ना तू? भाई मैं तो एकदम से रेडी हूँ। ओके गाइस, तो लॉगर इतनी पोजीशन एकदम से लेकर रखी हुई है। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि यहाँ पर ये देखो, ये इस बंदे का बिलीव नहीं करोगे, बिग फुट मार के गया था। क्या हो रहा है? कुछ था क्या? अरे मैं हूँ भाई। क्या कर रहा भाई? पूरी दुनिया को बता दे कि हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अरे भाई मैं वेपन टेस्ट कर रहा हूँ, ये वाला एकदम से सही है। तो जब तेरे को लूट रहा था वो बंदा, तब तेरे को वेपन टेस्ट करने थे ना? हाँ सही आइडिया, तब तो भाग गया ये बंदा। बताऊँ क्या तेरे को? अरे ये देख रहे हो भाई, मेरे पास कौन सी गन है, लेजर वाली है भाई। अपने लेजर जेब के अंदर डाल रहे हो, और अगर मैं टाइम की तरफ देखूं तो गाइस रात के 2 बज चुके हैं। ओह मैन, खतरनाक हो रहा है यार यहाँ पर। GTA 5 के अंदर काम करते गाइस, मैं बहुत ज्यादा ओपन एरिया के अंदर खड़ा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो आके मेरे ऊपर हमला करे और भाग जाए, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कवर ले लेते हैं यार। लेकिन एक काम करते हैं ब्रोस, आगे बढ़ने से पहले ना मेरे को लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो क्लूज वगैरह मेरे को मिले थे ना, मेरे को वो ढूंढने हैं। और मेरे को पता करना कि अगर ये बंदा जंगल के अंदर रहता है तो खाता पीता क्या है भाई। पहले मुझे ढूंढ के दिखाओ, मैं बड़ी खतरनाक जगह के ऊपर छुप चुका हूँ। कहाँ पर है तू? वैसे तो मैं ऐसे ओपन में हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ अगर देखोगे तो मैं दिखूंगा ही नहीं, एकदम से कैमोफ्लेज वाली जगह पे मैं छुप चुका हूँ। मैं तेरे को मैप पे देख सकता हूँ, लेकिन भाई असली में देख पा रहे हो क्या? ओ भाई साहब, कितना स्केरी लग रहा है यार ये तो। एक मिनट भाई, पहले मुझे अपना नाम पहले हटाने दो। ओ भाई लेजेंड, ओ माय गॉड, थूकूंगा तेरे को यहाँ पर। रहने दो भाई। ओके नाम भी हट चुका है। है मेरी स्क्रीन के ऊपर है। ओके तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे को ये चेकआउट करना है कि लास्ट वाली वीडियो में जो हमने वो डियर वगैरह जो गाड़ियां वगैरह ढूंढी थी, क्या पता वो गाड़ियां गूच ने रॉब करके रखी हो। आई डोंट नो, मे बी वहां से क्लू मिल सकता है गूच का। हाँ एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे को याद है लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, तो वहां पर हमने देखा था। क्या पता, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या पता लोग गाड़ियां चला रहे हो और चलती गाड़ी में बंदा उसको पंच मार के उसको लूट के भाग गया हो और उसका कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? मैं समझ रहा हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, नदी के पास चलते हैं। मैं नदी के पास में ही हूँ। और ये देखो भाई, दूसरे क्लू के पास भी हो। ये देखो यहाँ पर ट्री गिरा हुआ है। कहाँ? ये वाला ना लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने ट्री भी देखा था। और मेरे को याद है इस तरफ अगर जाएंगे ना तो हमें एक टेंट भी मिलेगा। मेरे को याद है कि टेंट की लोकेशन इसी तरफ थी। लगो तो यहाँ पर तो खड़ा, वहाँ पर टेंट है क्या? अरे भाई मैं तो स्टोन के ऊपर सामने खड़ा हूँ। ओके ये क्या लिखा है? यू कैन चैलेंज अनदर प्लेयर, मेरे को रेस वगैरह नहीं करनी। और ये नदी के बैंक्स के ऊपर ही डियर मरी हुई थी। काम करते हैं, गाड़ी खड़ी हुई है और वो गाड़ी अभी तक खड़ी है ब्रो। और यही वो जगह यहाँ पर हमने वो उसको मारा था बिग फुट को। हाँ ये जगह थी। और यहाँ पर मेरे को देखना की क्या वो डियर मरी हुई है। आई थिंक वो डियर अभी जा चुकी है, या तो गूंज लेके भाग गया, जा तो कोई ना कोई और जंगली जानवर इसको खा चुका है। मेरे को ये चेकआउट करना है कि क्या वो टेंट अवेलेबल है यहाँ पर कि नहीं। तो वहीं पे है ना लॉग टेंट की जगह, तेरे को पता ना? मैं यही जंगलों के अंदर ही ढूंढ रहा हूँ। और ढूंढते ढूंढते ब्रो सुबह भी हो चुकी है। अभी सुबह होने का एक बेनिफिट तो है, जो रात को जो डर होता है ना कि भाई कहीं से कोई आ ना जाए, कोई मेरे को यहाँ से पकड़ ना ले, वो जा चुका है। और अगर दिन दहाड़े अगर गूंज आ भी गया तो उसके मैंने गूचे निकाल देने हैं गूचे। लेकिन टेंशन नॉट, पता नहीं गूचे कोई वर्ड होता भी है कि नहीं होता, बट टेंशन नॉट। और भाई लॉस सैंटोस की सुबह देख रहे हो, क्या मस्त सीन है यार, एकदम वॉलपेपर वाला सीन लग रहा है मेरे को तो यहाँ पर। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को वो टेंट ढूंढना है कि वो टेंट कहाँ पर था। आई बिलीव जो बंदा कैंपिंग करने आएगा वो एटलीस्ट व्यू के साथ कैंपिंग करेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ब्रो, क्या कर रहा भाई लोगे तू? अरे मैं वही टेंट ही यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, ढूंढते हैं। मेरे को पता है यहीं आसपास ही। ब्रो तू डरा मत मेरे को पार पार यार। सॉरी सॉरी भाई, मैं सिर्फ गाड़ी मंगवा रहा था मैकेनिक से। भाई मैं लेजिट डर गया भाई, मेरे को लगा था कि फिर से कैसे आ चुका है ये बंदा। इसको तो मैं एक्चुअली मार चुका हूँ, एक्चुअली मार चुका हूँ भाई। और लॉगी क्या मेरे को दिमाग में बात आई है? क्या क्या? आई डोंट थिंक गुड समन होगा अगर मैं बाइक के ऊपर हूँ। क्या? हाँ क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को याद है तू भी जंगलों के अंदर भाग रहा था, तभी तेरे सामने समन हुआ वो। ओके देख काम करते हैं, अब की बारी में जो है बाइक के ऊपर नहीं बैठूंगा। मेबी फुटस्टेप्स को फॉलो करता है फिर। आई डोंट नो, कुछ ना कुछ ट्रैकिंग सिस्टम उसने लगा कर रखा हुआ है। तो यार अब की बारी में बाइक के ऊपर नहीं बैठूंगा अगर मेरे सामने समन हो गया। अभी तू क्या कर रहा भाई, तू ड्रिफ्ट मत मार यार। ये रहा टेंट, ये रहा ये रहा ये रहा। ओके यहाँ पर कोई ना कोई हरकत हुई है क्या?
ओके, तो ये भी लास्ट वाली वीडियो में था, ये भी लास्ट वाली वीडियो में था। मे बी इस बैग के अंदर कोई इलीगल मनी यहाँ पर पड़ी हो। इसको जलाते हैं लोगी, आजा। इसको? हाँ, इसको जलाते हैं। बेस्ट तरीका यही है कि इसको जला देते हैं। तो काम करो, तो बंदूक निकाल। और ये जलने वाला जो है सामान किस तरफ होता है भाई? कहाँ से निकाला तूने? स्टिकी में से निकाला क्या? ओके, तू लगा, मैं जब तक इसे गोली मारता हूँ। हट जा। फेंको ना इसके ऊपर। अबे हट जा, कहाँ से निकलती है? अरे यहीं से निकलती है। यहाँ पर होगी स्टिकी माइंड दिया गया। स्टिकी मेरे पास है ही नहीं यार, इसकी काम की चीज मेरे पास है ही नहीं ब्रो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे पास ये फट, तेरे पास भैंस, तेरा ये फर जल जाएगा पूरा। कुछ नहीं होगा, अगर तेरा ये फर जल गया ना तो ऐसे फर करता रहेगा तू। जला देते क्या? जल रहा है। नाइस, मेरी गाड़ी ना जल जाए। अबे गाड़ी थोड़ी साइड पे कर लो। और लेके भी क्या लाया है? फोर्ड मुस्टैंग। ये देखो यटी क्या चला रहे हैं आजकल। यटियों की भी तरक्की हो रही है भाई। यटी कम वाली गाड़ी चलाते हैं, यटी भी चलाते हैं बीस्ट गाड़ी। मुस्टैंग चलाएंगे यार यटी लोग। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी मेरे को यहाँ पे थोड़ी देर और वेट करना है। और आई बिलीव आने वाला होगा, मेरे को फील हो रहा है कि वो मेरे को लूटेगा। क्योंकि वंस अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, लॉबी के अंदर सिर्फ दो बंदे हैं और गेम के मैकेनिक के अनुसार वो उसी को लूटता है जिसकी जेब के अंदर पैसे होते हैं। और फिलहाल वंस अगेन मेरी जेब के अंदर ये बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। मेरे को बहुत टेंशन हो रही है लॉगे, मेरे को लग रहा है कि लॉगी और ये मिले हो सकते हैं। ये मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, मैं क्या तो पता साथ आया हूं। क्या पता तूने इसको वर्क रखा हो, कुछ चबा दिया है, को लूटते हैं आधा बांट लेंगे। नाइस है। पकड़ तू बड़े को, मैं पूछूंगा पत्थर के ऊपर गिरा के भाग गया यार वो। लोगे पकड़ो सिर के, यस की आंख नहीं पड़ी, भाग गया यार वो मैन। बाइक निकालो, पकड़ो उसको। क्विक हट जा। लोगे मेरे सर के ऊपर खून सवार है, हट जा मेरे सामने मत आओ। भाई कहां गया वो यार वो? कहां पर है? और जल्दी से पकड़ो नहीं तो वो गायब हो जाता है। उसको तो मैं गायब मैं करूंगा गोलियां मार के भाई साहब। वो जा रहा भाई, मेरे को लगा था कि एकदम से अफवाह होगी लेकिन नहीं भाई, कोई ना कोई लीजेंड बंदा घूम रहा है यहाँ पर। तेरी भैंस की, रुक तू यहाँ पर, तेरे को बताता हूँ मैं भाई, वो डैमेज भी नहीं ले रहा मैं ब्रो। अरे वो पिस्तौल से क्या मार रहे हो, मारो उसको। तो किससे मारूं? हेडशॉट मारो। तो कहाँ जा रहा है? वो भाई साहब, नो शिट, ये मेरे सामने मरा वो। ओके, इसने मेरे को गिफ्ट देकर रखा हुआ है, मेरे को डर लग रहा है कि गिफ्ट उठाऊं कि ना उठाऊं, आई डोंट नो। मिल गया मेरे को $35,000, लेट्स गो। साथ में रोबिला गाइस गूच आउटफिट मैन। भाई गूच आउटफिट मेन नहीं है, मेन चीज है $35,000। भाई मैं यहाँ पर बैठ के चिल मार रहा था और एकदम से मेरे कान के अंदर से आवाज आई हा 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 हंसने की, और अचानक से ब्रोस मेरे पीछे समन होकर मेरे को मार के भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारे चुंगल से कौन बचेगा, तो एक काम करते हैं फटाफट से जाकर ना मेरे को ये आउटफिट ट्राई करना है। और एक बार फिर से गाइस अपने घर के अंदर हम पहुंच चुके हैं भाई, अपार्टमेंट वन ऑफ माय फेवरेट हो चुकी है। बट एनीवेज गाइस, अपार्टमेंट को मारते हैं गोली एंड सीधा चलते हैं अपने। ए हैंग कर अ सेकंड, रुको, यहाँ पर दरवाजा लगा हुआ है, ये दरवाजा कहाँ जाता है? अच्छा दरवाजा बंद है, नाइस। मेरे को लगा था कि मेरे घर के अंदर खुफिया दरवाजा लगा हुआ है, मेरे को पता बन गया। बट एनीवेज गाइस चलते हैं सीधा ड्रेसिंग रूम के अंदर, और यहाँ पर मेरे को सेलेक्ट करनी है अपनी गूच की आउटफिट। तो काम करते हैं आउटफिट के अंदर जाते हैं, और उसके बाद मेरे को लगता है कि इन लोगों ने इसको एक स्पेशल कैटेगरी देकर रखी हुई है, ये आएगी फेस्टिव में। लेट्स गो। तो गाइस ये रहा मेरा यटी का आउटफिट एंड ये रहा मेरा गूच। भाई ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है यार। एंड ये रहा मेरा गूच का आउटफिट, भाई कितना खतरनाक लग रहा है यार। तो ये वाला बंदा जो है लोगों की जो है चीजें वगैरह लूट रहा, और भाई साहब एक्चुअली ज्यादा नाइस है। लेकिन नथिंग बीट्स अवर कोट पैंट लेजेंडरी वाला। तो जल्दी करते छोटी सी वीडियो में इतना काफी, एक बार फिर से हमने लॉस सैंटोस की मिस्ट्री एकदम से फुली सॉल्व करके रख दिया। एंड वन सेकंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड फाइनली जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।